नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। विधानसभा चुनाव को लेकर के आज चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के मल्टीपर्पज हॉल में एक पायलट रिहर्सल का आयोजन किया गया। इसमें अल्टरनेट अधिकारियों तथा प्रोजेक्ट के माध्यम से ईवीएम तथा वीवीपैट के बारे में बारीकी से जानकारी दी गई। दो चरणों में आयोजित इस मेगा रिहर्सल में चुनाव प्रक्रिया के बारे में बारीकियाँ तथा तहसीलदार चुनाव रामनिवास ने पीओ एपीओ और वीडियो के माध्यम से ईवीएम व वीवीपैट के बारे में तथा उनके संचालन के बारे में समझाया। उन्हें मौके पर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी दी गई। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार गर्ग ने कहा कि आज निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाने के लिए पायलट रिहर्सल का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि पीओ एपीओ की जरा सी भी चूक गंभीर रूप ले सकती है। उन्होंने सभी चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों और आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए चुनाव संपन्न करवाएं और सभी अधिकारी इसे गंभीरता से लें। उन्होंने कहा कि मतदान से पहले मॉक पोल अवश्य करवाएं तथा मॉक पोल के बाद ईवीएम को क्लियर करना न भूलें। उन्होंने कहा कि सेकेंड रैंडमाइजेशन के बाद में अधिकारियों को बूथ अलॉट कर दिए जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि सिरसा जिले में पांचों विधानसभाओं के गिनती सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में ही होगी। पल पल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। रिहर्सल तो आप लोगों ने देखी है, आज की रिहर्सल प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स और अल्टरनेट प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स पूरे जिले के, उनकी पहली रिहर्सल की गई है और इसके बाद आगे जो फर्दर रिहर्सल हैं वो आर ओ लेवल पर की जाएंगी। आज की रिहर्सल में जैसा आपने देखा, इलेक्शन कमीशन के रूल्स, प्रोसीजर, प्रोसेस और ईवीएम कैसे काम करती है, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट, उसके बारे में विस्तार से सारे प्रेजाइडिंग और अल्टरनेट प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी गई। सेकंड रैंडमाइजेशन भी एनआईसी के ऑफिस में की जाएगी और कब की जाएगी इसके बारे में माननीय ऑब्जर्वर साहिबान के साथ विचार विमर्श करके तय करेंगे। और इस रैंडमाइजेशन में किस प्रेजाइडिंग ऑफिसर को और अल्टरनेट प्रेजाइडिंग ऑफिसर को किस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाना है ये निर्धारित किया जाए। देखिए, मॉक पोल दो तरीके से इम्पोर्टेंट कड़ी है। एक तो मॉक पोल से जो पोलिंग एजेंट्स हैं और पोलिंग एजेंट्स के माध्यम से आम जनता है उसका विश्वास हमारे इस पोलिंग सिस्टम में बना रहता है, उससे ये वेरीफाई होता है कि जितने वोट हमने जिस कैंडिडेट को डाले हैं उतने ही वोट मशीन भी और वीवीपैट भी दर्शा रही हैं। दूसरा, ट्रेनिंग के लिहाज से जो मैंने कहा था वो मॉक पोल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कई बार पोलिंग अफसर ये गलती कर देते हैं कि मॉक पोल करने के बाद उसको क्लियर नहीं कर पाते और फिर वो काउंटिंग में समस्या आती है। ईवीएम मशीन में पड़े हुए वोट और वीवीपैट आपस में मैच नहीं करते या फिर वो 17-80 के साथ मैच नहीं करते, इसलिए उसको क्लियर करना ही बहुत महत्वपूर्ण है। पंचों असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की काउंटिंग यहीं सीडीएलयू में करवाई जाएगी।